Hello dear students, a very good morning to all of you. So today we are going to start our next chapter, chapter number 14, water. So in this chapter we are going to discuss about all these topics. So topics are importance of water, states of water, changes of state, water cycle, sources of water, drought and floods, and conservation of water. All right. So you know that how water is important for us. All living beings need water to live. सारे जितने भी living organisms हैं, चाहे वो plants हो चाहे animals हो, सबको water की need है. Okay? Means एक life और water के बीच का जो relationship है वो बहुत ही close है. Okay, so without water we can't survive, we can't live without water. Even every living organisms need water, and कोई भी living organism है, चाहे वो plant है, चाहे animals है, चाहे micro organisms है, वो water के बिना नहीं रह सकता. So you know that about 75% of the earth is covered with water. 75% जो है earth surface पूरी covered है water से, और 2% water is present in solid form like snow, and 98% water जो है उसमें से 97.4% water available है ocean and seas में, एंड 0.6% वाटर जो है वो रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स में अवेलेबल है. फिर भी इतना वाटर प्रेजेंट होने के बाद भी वी स्टिल हियर ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर एट मैनी प्लेसेस. वाई क्यों शॉर्टेज है वाटर की? कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है. सो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो वाटर आपका ओशन में है, सीज में है, यू नो दैट मोस्ट ऑफ द वाटर इन इज इन ओशन एंड सीज, एंड वहाँ पे जो है सॉल्ट प्रेजेंट होता है, हाई अमाउंट में सॉल्ट की मात्रा प्रेजेंट होती है, और वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. ऑलराइट. एंड द सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर प्लेस में एक जैसा नहीं है. ठीक है, कहीं पे आप देखते हो कि कोई कोई जगह पे तो फ्लड आता है और कहीं पे कभी बारिश ही नहीं होती है. ओके, सो हर प्लेस में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है. अगर हम देखें सो वाटर इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ. There may be floods at some places and complete lack of rain for years at some places. Okay. The third thing is pollution of water. So pollution of water is also spoiling the quality of water. Obviously, अगर water में pollution है, यानी कि water pollution है, तो वो water हम use कर ही नहीं सकते. ठीक है. And next thing ये है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे. क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हम डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस हो रही है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़. ओके, सो इन और पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज़ बन रहे हैं जगह जगह पे. ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज़ भी इंक्रीज़ होगी. सो इससे ग्राउंड वाटर लेवल पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर एक ऐसा सोर्स है वाटर का जहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिलता है. ठीक है, उस वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं अपने कुकिंग पर्पज़ के लिए. ठीक है, एंड ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए. सो अगर वाटर ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है तो ये भी एक रीज़न है shortage of water. Okay, now
इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. सो वी कैन लीव विदाउट फूड सेवरल वीक्स, बट विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट पॉसिबल. अगर हम फूड नहीं भी लेते हैं फिर भी हम कुछ दिन तक रह सकते हैं जीवित, ठीक है. बट अगर आपको वाटर नहीं मिलता है, बिकॉज वाटर के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. सो अ वाटर इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, ठीक है. सबसे पहला है यूज़ फॉर प्लांट्स ग्रोथ. यू नो दैट इन प्लांट्स वाटर इज़ एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेसिस एंड ऑब्वियसली फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है. सो जो वाटर है, आपको पता है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड जर्मिनेशन जो प्रोसेस होती है उसमें आपको वाटर की भी ज़रूरत होती है. विदाउट वाटर कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं होगा, ओके. एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आपको पता है रूट्स जो हैं वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, देन प्लांट्स के हर एक पार्ट्स तक वो मिनरल्स पहुंचता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर द प्लांट्स ग्रोथ. सो अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस भी वाटर के थ्रू ही होता है, ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज़ अ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड. तो यहाँ पे भी प्लांट्स को फूड, जब प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहा है वहाँ पे भी वाटर की ज़रूरत होती है, ओके. सो वाटर इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस इन आर डे टू डे लाइफ, राइट. फॉर कुकिंग, फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग. सो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस. एंड वाटर इज़ ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. यू नो दैट एग्रीकल्चर के लिए भी वाटर का यूज़ है. अगर हमें कोई क्रॉप्स को लगाना है तो भी हमें वाटर की नीड है, ओके. एंड वाटर इज़ यूज्ड इन डैम्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. वाटर का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी किया जाता है.